Hello students, welcome in Fast Mind. Today we will discuss class 9th NCERT exercise 2.2 polynomial. So how to find the value of a polynomial? ये सब हम इसमें यहाँ discuss करने वाले हैं. तो आइए हम लोग start करते हैं. तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमें given है कि find the value. Question number one है 2.2 का कि find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x equal to 0. x equal to 0 पर. तो देखिएगा हम क्या करेंगे, p x equal to आपको गिवन है, मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, तो आपको गिवन है 5x minus 4x square plus 3. ठीक है सर. अब ये कह रहा कि x equal to 0, that means he want to do कि पी एक्स की प्लेस पे आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है क्या, जीरो. इसको एक्स नहीं लिखना है इस बार लिखना है जीरो. तो यहाँ पे देखिएगा फाइव इंटू ये एक्स की प्लेस पे क्या आ जाएगा, जीरो माइनस फोर इंटू जीरो का स्क्वायर. भाई जीरो का स्क्वायर करो, क्यूब करो तो जीरो ही रहना है, बट चलो कोई बात नहीं, हम इसको कर देते हैं इक्वल टू थ्री. तो देखिए पी जीरो पर जो इसकी वैल्यू फाइंड होती है, ये आती है आपको जीरो माइनस जीरो प्लस थ्री. तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू जीरो इज थ्री. सो इट्स योर रिक्वायर्ड आंसर. देखिए मैं ये दो दिए हैं, टू पार्ट्स और गिवन है, थ्री पार्ट्स टोटल है, मैं इसमें से दो कर रहा हूं, एक कोई भी पार्ट में कर सकता हूं, बट मेरे को मालूम है कि आपकी रिक्वायरमेंट यही होगी कि आप सर एक्स इक्वल टू माइनस वन पर निकालें. तो मैं आज आपको x इक्वल टू माइनस वन पर निकालूंगा बिकॉज ऑफ इट्स सम डिफिकल्टी फॉर यू. तो मैं देखिए यहाँ पे देखता हूँ पी एक्स इक्वल टू गिवन है, सेकंड पार्ट में सेम आपका पॉलिनोमियल है विच इज 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. वी नीड टू फाइंड x इक्वल टू माइनस वन. तो x इक्वल टू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट x के प्लेस पे क्या कर देंगे, माइनस वन कर देंगे. तो ये हो जाएगा 5 into -1 माइनस ये 4 इंटू माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 3. तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और यहाँ पर माइनस का स्क्वायर कर दें तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू 4 एज इट इज रहेगा 4, माइनस का 4 रहेगा और प्लस का 3 होगा. तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू आपकी क्या आने वाली है, माइनस के 9 हो गए और प्लस के 3, तो आपकी माइनस का 6 वैल्यू आने वाली है. इट्स रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू व्हाट, माइनस वन. एक्स इक्वल टू माइनस वन पे क्या है, माइनस 6. इट इज द आंसर. तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और इसी के साथ हम नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन लेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड पी जीरो पी वन पी टू. तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको फोर पार्ट्स दिए हुए हैं, मैं इनमें से टू पार्ट करने जा रहा हूं. देखिएगा फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूं, यो आपको पी वाई इक्वल टू गिवन है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन. तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं पी जीरो, देयरफॉर पी जीरो इक्वल टू होगा, देखिएगा इसी के सामने कर रहा हूं, स्पेस कम होता है तो इसलिए यहीं पे करना बेसिकली आपको आपके लिए अच्छा होगा. तो पी जीरो में यहीं पे इसके सामने आपका सॉल्यूशन दे रहा हूं, पी जीरो इक्वल टू होगा जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन. सो इट्स इक्वल टू वन. क्या आया आंसर, वन. पी जीरो एट पी इक्वल टू जीरो, पी इक्वल टू जीरो पे क्या आया, ये आया पी जीरो जब हमने फाइंड किया. अब मैं करता हूँ पी वन, देखिएगा वन कर देते हैं, यानी कि वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन. सो इट्स कम वन माइनस वन प्लस वन, सो वन टू वन कैंसिल, इट्स ऑल्सो आंसर वन. अब मैं निकालता हूँ P2, चलिएगा P2 निकालता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि मेरे को बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, हमको यहाँ पे सिर्फ शिफ्ट कर देना है x को किससे रिप्लेस करके, हमको रिप्लेस कर देना है x इक्वल टू 2 से. तो 2 से हमने रिप्लेस कर दिया, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो ये जाएगा 4 माइनस 2 और प्लस 1, सो इट्स कम 3. इट इज द आंसर. ठीक है सर. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है. अब मैं चलता हूँ सेकंड पार्ट पे.
सेकंड पार्ट में क्या गिवन है देखते हैं। सेकंड पार्ट में मैं लेने वाला हूं आपका क्वेश्चन नंबर फोर, पार्ट नंबर फोर, ये मैं आपका यहाँ पे सोल्व करने वाला। एक मैं ये सोल्व किया, एक मैंने फर्स्ट एंड लास्ट में दोनों कर रहा हूं। तो ये कहते हैं पी एक्स पी जीरो, पी एक्स इक्वल टू गिवन है आपका एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन। सो वी पुट, क्या हम पुट करने वाले हैं पी जीरो, देयरफॉर पी जीरो, पी जीरो इक्वल टू हो जाएगा जीरो माइनस वन इंटू जीरो प्लस वन। तो देखिएगा वन तो वन है, तो ये आएगा आंसर आपका माइनस का वन, तो इट्स सॉल्यूशन माइनस वन, ये आपका पी जीरो है। अब मैं निकालता हूं पी वन, तो पी वन पे हमारा जब वैल्यू निकलेगा तो ये जाएगा वन माइनस वन एंड वन प्लस वन। तो देखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, ये जीरो इंटू टू हो जाएगा जो इक्वल टू जीरो आएगा, तो ये आंसर आएगा जीरो, सेकेंड पार्ट हो जाता है। अब मैं निकालता हूं पी टू, तो पी टू पे मैं क्या करता हूं कि मैं टू माइनस वन इंटू टू प्लस वन, तो देखिए टू माइनस वन यानी कि वन और इंटू टू प्लस वन थ्री, तो आंसर ही थ्री, थ्री द आंसर। तो देखिए मैंने यहाँ पे दो पार्ट आपको सोल्व करके दिखाए, टू पार्ट में ऑलरेडी मैंने कर चुका हूँ, आपको दो पार्ट है जो आप अच्छे से करेंगे, और यदि नहीं होता तो कॉमेंट में आप हमारे से आंसर की डिमांड कर सकते हैं, हम आपको सोल्यूशन भेज देंगे। चलिएगा हम आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड में क्या देखते हैं, देखिएगा हम यहाँ पे एक मिनट देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है आपको, इंडिकेट किया है कि x की वैल्यू, देखिए ये पी एक्स है, पी एक्स फाइंड करना है, x की वैल्यू ये गिवन है, तो x इक्वल टू ये सब्सटीट्यूट करना है, पी एक्स में x की वैल्यू फाइंड करनी रखनी है और बताना है कि ये क्या इंडिकेट करता है, इट्स जीरो और नहीं, ये बताना है कि ये वेरीफाई करना है कि वेदर इट इज जीरो और नॉट। तो देखिए यदि हमने x की वैल्यू करने पे रखने पे आपकी पी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाती है, देन वैल्यू होती है, अदरवाइज नहीं होती। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पे आपको यहाँ पे एट पार्ट है जिनमें से मैं टू पार्ट आपके लिए सोल्व करने वाला हूं। चलिएगा फर्स्ट पार्ट में करता हूं, तो यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू गिवन है आपका थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन एट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री माइनस वन बाई थ्री। तो हम निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा इसके सामने मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ पी माइनस वन बाई थ्री, तो ये जाएगा थ्री इंटू माइनस वन बाई थ्री प्लस वन, देखिए थ्री से थ्री कैंसिल हुआ, आंसर आया माइनस का वन, माइनस का वन आया, तो माइनस वन प्लस वन दैट इज इक्वल टू जीरो, तो आंसर आया यस, आंसर आया यस, बिकॉज ऑफ पी एक्स इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री, इज इट क्लियर। अब मैं करता हूं आपका पार्ट नंबर टू, पार्ट नंबर टू मेरे को मालूम है कि सभी बच्चों को थोड़ा इसमें डाउट आएगा, तो यहाँ पे मैं पी एक्स गिवन है, ये नंबर वन है और ये नंबर टू है, तो पी एक्स इक्वल टू गिवन है फाइव माइनस फाइव, एक्स इक्वल टू सब्सटीट्यूट करना है फाइव एक्स, सॉरी फाइव एक्स था, तो यहां पर मैं सब्सटीट्यूट करूंगा पी फोर बाई फाइव, तो यहां पे देखिएगा फाइव इंटू फोर बाई फाइव माइनस फाइव, देखिएगा फाइव से फाइव कैंसिल, तो आंसर आता है फोर माइनस फाइव विच नॉट इक्वल टू जीरो, सो आंसर इज नो, आंसर नॉट जीरो, नॉट जीरो, नोट जीरो, आंसर क्या लिखेंगे नो जीरो, याद रहे। अब मैं आपको एक आपको एज ए कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन में आपको एक और सॉल्यूशन में दे देता हूं, तो मैं आपको फाइंड करके दिखा रहा हूं लास्ट पार्ट, लास्ट नहीं मैं आपको दिखा रहा हूं सेवंथ पार्ट, बिकॉज इसमें रूट आया हुआ है और जब मैं छोटा था तो रूट को देख के मैं बहुत डरता था, तो जब मेरे को मालूम है तो आप भी आज भी मेरे आज आप मेरी जगह हो तो आपको भी डर लगता होगा ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ पी एक्स इक्वल टू गिवन है आपका थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, सो वी नीड टू फाइंड पी माइनस वन बाई थ्री रूट थ्री, तो यहाँ पे देखिएगा थ्री इंटू माइनस वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन, देखिए जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या था रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाएगा थ्री इंटू वन बाई थ्री माइनस वन, तो इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा वन माइनस वन, तो इट इज इक्वल टू जीरो, तो आंसर यस हुआ। अब मैं रखता हूँ प्लस का रूट बाई थ्री, देखिएगा यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसको ऐसे कर लूंगा, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा पी वन बाई रूट थ्री पे मैं निकालने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा थ्री इंटू वन बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस का वन, तो देखो थ्री इंटू वन बाई थ्री माइनस वन, तो थ्री थ्री कैंसिल, तो इट इज इक्वल टू जीरो, तो ये भी आंसर आया यस इट इज ए जीरो, सो इट्स सिंपल।
तो मैंने देखिएगा ऑलरेडी आपके लिए थ्री सॉल्यूशन थ्री पार्ट के दे दिए हैं और फोर अभी बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो खुद से करने हैं, और यदि कोई डाउट आता है तो आप कॉमेंट करके हमसे आंसर ले सकते हैं। बट साइड बाई साइड में ये भी कह रहा हूँ, यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और आप समझ पा रहे हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है ये जरा हम देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी जीरो फाइंड कीजिए। क्या करना है? जीरो फाइंड करना है। तो जीरो फाइंड करने के लिए, जीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फोर फाइंड द जीरो, फोर फाइंड द जीरो, पुट px इक्वल टू जीरो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, px इक्वल टू गिवन है आपको x प्लस फाइव, सो हमें फाइंड करनी है जीरो, तो जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस फाइव हो जाएगा। Therefore, x इक्वल टू माइनस फाइव इज ए जीरो, इज ए जीरो ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। ठीक है, तो ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपका आंसर आया। नेक्स्ट आपका मैं करता हूं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको px इक्वल टू क्या गिवन है, x माइनस फाइव। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, हमने सब्स्टिट्यूट करना है भाई, सब्स्टिट्यूट px इक्वल टू जीरो। तो यहां क्या करेंगे, जीरो इक्वल टू x माइनस फाइव, देयरफॉर x इक्वल टू फाइव इज ए जीरो, इज ए जीरो। देखो चेक भी कर सकते हो, यदि फाइव रखो जीरो हो जाएगी, तो ये इसका आंसर हुआ। अब मैं करता हूं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, ये है आपका पी एक्स इक्वल टू गिवन है टू एक्स प्लस फाइव। तो देखिएगा हम क्या करने वाले हैं, इसको जीरो रखने वाले हैं, सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट पी एक्स इक्वल टू जीरो, पी एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपसे जीरो इक्वल टू, देयरफॉर जीरो इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव। तो ये हो जाएगा टू एक्स इक्वल टू माइनस फाइव, या एक्स इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू पे जीरो होगा आंसर। ठीक है सर, ये आंसर निकला। अब मैं एक ही पार्ट का, मेरे पास स्पेस है और मैं एक ही पार्ट करने वाला हूँ, दूसरा नहीं करूंगा, बाकी आप करेंगे, बिकॉज ये सिक्स पार्ट हैं, थ्री मैं कर चुका हूँ, एक और कर रहा हूँ यहाँ जो कि आप मैं लास्ट करने वाला हूँ, और यदि बचा तो मैं फिर फोर्थ करूंगा, ये फिफ्थ या सिक्स करूंगा, पहले मैं आपका लास्ट करने वाला हूँ। तो देखिएगा लास्ट में आप देखिएगा आपका सेवंथ पार्ट पी एक्स इक्वल टू गिवन है आपका सी एक्स प्लस डी, और वहां पर गिवन है सी नॉट इक्वल टू जीरो, सी नॉट इक्वल टू जीरो, सो पी एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए, पी एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट में आप लिखा हुआ शॉर्ट में लिखा हुआ देख लीजिए, तो ये पी एक्स इक्वल टू जीरो, देयरफॉर जीरो इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, ये आ जाता है, और डी इक्वल टू माइनस डी इक्वल टू सी एक्स आ जाता है, और x इक्वल टू आ जाता है माइनस डी अपॉन सी। तो ये आपका आंसर हो जाता है, आंसर आ गया। अब देखिएगा ये स्पेस है, इसमें मैं आपके लिए, क्योंकि मालूम है मेरे को कि आपको डर लगता है इससे, तो मैं इसको सिक्स क्वेश्चन को भी आपके लिए कर देता हूँ। देखिएगा मैं कितने पार्ट कर चुका हूँ, यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट फिफ्थ पार्ट कर रहा हूँ, और जबकि इसमें सेवंथ पार्ट है, तो दो बजते हैं वो आप करेंगे खुद से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे हम पी एक्स इक्वल टू जीरो, px इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो इक्वल टू ए एक्स। तो देखिएगा क्या वैल्यू रखने पर, x इक्वल टू जीरो अपॉन ए इक्वल टू एक्स, और यदि जीरो करते तो x इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, और सेम कंडीशन आपकी फिफ्थ में भी होगी। फिफ्थ में ये आपको दिया है थ्री एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने ऑलमोस्ट सारे पार्ट कर दिए, एक पार्ट बाकी है, ये आप खुद से करेंगे, और यदि कोई भी डाउट है तो आप हमारे से कमेंट में पूछ लेंगे, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। यदि आपको पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर